हो गया ना बाहर का जो मोबाइल के साथ में बता दूं आप ना तो उनके पास आवाज है ना तो शौचालय भी हो गया आप पूरा मंच दे दूं क्या आप पूरा रुक जाइए आप उनको भी आने दीजिए ना आप देखिए ना पक्ष ना विपक्ष प्रेम जी आ गए बीच में निष्पक्ष अब मैं उनसे पूछूंगा प्रेम जी से कि क्या चल रहा है आप तो कहेंगे कि हम 300 पार वो कहेंगे 300 पार फिर तो 600 सीटें हो गई लेकिन प्रदीप जी सुना आपने वो ये कह रहे हैं कि 2017 वाले ख्वाब भूल जाइए अब धरातल पर आइए जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही राजभर जी ने अकेले दम पर आपको चुनाव हरा दिया राजभर जी ने भार्गव जी कह रहे हैं अकेले जी जी बिल्कुल थोड़ा सा मैं भार्गव जी की थोड़ा सा मैं दुरुस्त कर दूं यादें जब पिछली बार आपको 6,007 सीटें दी गई थी विधानसभा की तो आप मात्र 2 जीते थे और वो भी एयरलाइंस बीजेपी था गठबंधन था उसके माध्यम से जीत गए सुनिए भाई सुनिए अरे सुनिए भाई दो कैसे जीते आपको जानकारी कुछ लेता है आप भारतीय जनता पार्टी में अभी अभी जुड़े हैं हमको 8 सीट मिली थी हम 4 जीते हैं भाई इसीलिए कहता भारतीय जनता पार्टी झूठिस्तान पार्टी गुमराह करने वाली पार्टी जुमला छोड़ने वाली भाई गुस्सा पहले करेक्ट करके वो बात करने की बात करिए अरे गुस्सा किस बात की तिलक भाई ये तो कह रहे 2 जीते अब बताइए हाँ बताइए ना झूठ को भी सच बोलोगे सुनिए नाराज मत होइए भार्गव जी सुनने की क्षमता रखिए सुनिए भार्गव जी किसी के दुख अगर किसी के दुख पे अगर डिटोल लगाओ तो वो थोड़ा उछलता है थोड़ा उछलता है वो सुनिए चलिए आपने सच तो बोला वो किनके माध्यम से जीते भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जीते आप जिन नारे पे उछल रहे हैं आप फिर भी से बोले फिर मैं इसलिए कह रहा हूं मैंने आपको पूरा सुना आपको मैंने पूरा सुना अरे आप घबराहट ना लाएं सुने घबराहट ना लाएं ना बीच में बोले मैं आपने बीच में नहीं बोला पूरा सुना मैंने आपको मैं आपको नहीं मैं अगर आप मुझे नहीं बोलने देंगे तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगा फिर मैं आपके बीच में पूरी छीटाकाशी करूंगा तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप सुने आप देखिए सोहेलदेव पार्टी के जो प्रमुख है वो एक तो मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार और वो 229 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं 229 सीटें जीतेंगे वो ये थोड़ा इन पे आंकड़ा गलत है इनके पास हाँ और अखिलेश जी तो पूरी जगह हार रहे हैं चुनाव वो तो सेकंड मुख्यमंत्री बन गए अखिलेश जी ये वो लोग हैं लालची और लोभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनको अपने अलायंस में लाके जिताया और सत्ता में लाए और मंत्री बनाया 4.5 वर्ष केवल फाइलों में ये ढूंढते रहे कि कहां से पैसे मिले कहां से ट्रांसफर हो पैसे कमाए जाए और ये मजबूरी बनी भागने की उनकी कि राजभर जी की क्यों क्योंकि जब कमाई नहीं होती तो राजनीति में भागना पड़ा उनको इन्होंने दलित छान के लिए अगर कुछ किया हो तो बताएं केवल इन पे एलिगेशन है और से तो कुछ नहीं है सत्ता में रह के अगर आप कुछ फायदा पूर्वांचल को नहीं दे पाए आगे क्या दोगे आप अच्छा यानी आप ये कह रहे हैं कि राजभर का कोई नुकसान नहीं होगा बीजेपी को राजभर चाहे कुछ भी कर ले नहीं राजभर कम्युनिटी जिसके आधार पर जिन समीकरणों के आधार पर अमित शाह ने जो गणित बिठाया वो इस बार आपका नहीं चला तो आप ये कह रहे हैं कि राजभर से कोई नुकसान नहीं होगा हमें देखिए राजभर जी वाली बात तो ये है सोहेलदेव पार्टी से मुझे कोई नुकसान नहीं होना मैं अगर जाति बिरादरी की बात ना तो मैं करना चाहता ना मैं वहां तक जाना चाहता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जाति बिरादरी की जातियों के आधार पर मंत्री बनाओगे लेकिन जातियों के आधार पर जातियों की बात नहीं करोगे आप देखिए जातियों के आधार पर अगर मंत्री की बात है तो हर कोई चाहता है कि मेरा मुख्यमंत्री बने या मेरा मंत्री बने एक समझ का फर्क है जो कि उत्तर प्रदेश अच्छा, को कभी भी शिक्षित नहीं होने दिया आप जातियों के आधार पर सम्मेलन करोगे लेकिन जातियों की बात नहीं मैं वही आ रहा हूं वही तो आ रहा हूं सुनिए सुनिए मैं कहानी तो यही है कि उत्तर प्रदेश को कभी शिक्षित होने दिया ही नहीं पूर्वांचल को शिक्षित होने दिया ही नहीं कभी शिक्षित के लिए शिक्षा के लिए आगे आने दिया ही नहीं केवल राजनीति और राजनीतिकरण के लिए लगे रहे और आज जनता बड़ी समझदार है बहुत अच्छी तरह ठगी भी नहीं ठगेगी वो इन जैसे लोगों को खास तो नहीं ठगेगी ये बड़े बोले लोग ज्यादा बोलने वाले लोग ये जाति बिरादरी से लड़काने लड़वाने वाले लोग ये कभी इनका मंसूबा कामयाब नहीं हो पाएगा ये जातियों पर लड़वाते हैं हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ आपको मैं आप बताइए हमें बता दीजिए हमने क्या लड़वाया बताइए नहीं नहीं मैं जाति सुन ले आपकी आप कह रहे वो जातियों के आधार पर लड़वाते हैं वो कहते हैं आप धर्म के आधार पर लड़वाते हैं चलिए धर्म के आधार पर लड़वाते तो वही बता दीजिए कि धर्म के आधार पर लड़वा रहे हैं ये तो भार्गव जी बोलते हैं ना कहते हैं कि आप धर्म के आधार पर लड़वाते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल क्या है चावला जी कि सदैव भारतीय जनता पार्टी अगर स्पष्ट और क्लियर बोलती है तो ये क्या कहते हैं ये मुस्लिम विरोधी है मैंने तो बोला ही नहीं सर आज 5 वर्ष आप ही बोल रहे हैं नहीं आप ना बोले बेशक नहीं नहीं आप ना बोले बेशक मैं तो बोल ही रहा आप कह रहे हैं ना सर मैं तो विपक्षियों की बात कर रहा हूं मैं तो अच्छा विपक्षियों की बात कर रहा हूं मुझे लगा कि आप मुझे समझा रहे हैं
माध्यम उनके पास बोलने का वही है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का। हाँ। अब इनकी नकली हंसी देख लो बेचारे, उत्तर प्रदेश में जबरदस्ती भार्गव जी आपको जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं, आप थोड़ी ना निजाम पढ़वाते हैं। मुझे दिखाई देते हैं आपको, अगर भार्गव जी के बदले अगर समाजवादी पार्टी का अगर कोई नेता होता जो प्रदेश में मुख्यमंत्री रहा हो या कांग्रेस का नेता होता, अगर वो हंसता तो ज्यादा अच्छा लगता। अच्छा, क्योंकि ये दलित और गरीब उत्थान के लिए इन्होंने ये सोहेल देव पार्टी बनाई 2017 में, इन्होंने कभी काम नहीं किया। 2017 में इन्हीं को गोद में बिठाया था आपने, इन्हीं को ही अमित शाह जी बुलाकर बिठाया था, बिल्कुल बिठाया था। मना नहीं करा चावला जी, मगर ये नहीं पता कि उस थाली में ये लोग जिसमें खाते उसमें छेद करते हैं, बिल्कुल बुलाया था, कोई इसमें कोई दोहराई नहीं है। और हमने शामिल किया था, जिस थाली में खाया उसमें छेद किया, ऐसा मत बोलो। राजभर जी ने अगर ये देख लिया तो वो निकाल लेंगे क्लिप और सब जगह दिखाएंगे चुनावी रैलियों में, देखो बीजेपी राजभर को गाली दे रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, काहे की दिक्कत है, खुला बोल रहा हूँ और मैं तो कान खोले सुनाना चाहता हूँ कि प्रदेश के प्रति काम करें, जातिगत काम ना करें। अच्छा प्रेम जी, मेरे साथ प्रेम जी, प्रेम जी एक मिनट भार्गव जी, एक मिनट प्रेम जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। प्रेम जी जो हैं, थैंक यू सो मच प्रेम जी, आपने इतने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला और आप हमारे वरिष्ठ हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था कि आप छठे चरण का चुनाव, महज कुछ ही मिनट बचे हैं, सातवें चरण की ओर चुनाव जा रहा है, यानी कि आखिरी चरण, आपका आकलन क्या आ रहा है अब तक जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ना पक्ष ना विपक्ष निष्पक्ष? भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवृत्ति हमने नोट की है कि जो कि आम प्रवृत्ति से अलग है, आम तौर पर यह सोचा जाता है, देखा जाता है कि जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो सत्ताधारी दल को नुकसान होता है, जब घटता है तो ये होता है फायदा होता है जी। बीजेपी ने इस पैटर्न को बदला, बीजेपी का है कि जब प्रतिशत बढ़ता है तो चाहे पहली बार सत्ता में आ रही हो या दूसरी बार अपने आप को रिपीट कर रही हो, वोट प्रतिशत बढ़ेगा तो बीजेपी फायदा होगा। ये पैटर्न पिछले कई चुनावों में आप अध्ययन कर लीजिए, आपको नजर आएगा जी। अब इस हिसाब से देखें तो क्योंकि बीजेपी को इस बार टर्नआउट 1% से 2% के बीच में कम हुआ है, इस चरण में 1%, इस चरण में 2%, बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है, ये तो साफ है। लेकिन क्वांटम ऑफ लॉस हम अभी नहीं माप सकते कि कितना नुकसान है, क्योंकि बीजेपी के पास 325 सीटें, पर ये क्वांटम ऑफ लॉस इतना होगा कि 203 भी नहीं आएगी, ये अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन नुकसान हो रहा है ये तय है और पांच चरण तक यही प्रवृत्ति है और सातवें में छठा का आज दिख रहा है। लेकिन आज जब हम बात करें छठे को लेकर के, हम ये देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने चुके 2018 के बाई इलेक्शन में अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को हराया था, बाई इलेक्शन याद कीजिए गोरखपुर का, और ये बात हम नहीं बोल रहे, सारे लोग बोलते हैं सुभावती शुक्ला जी जो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं उसके हस्बैंड उम्मीदवार थे गोरखपुर में और उनको उन्होंने हराया था। और इस वजह से हालत यह है कि वहां पर बीजेपी के लोग खुद जिन्होंने देखा कि हमारे मुख्यमंत्री ने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया, तो आज बीजेपी में भीतरघात वहां हो रहा है। साहब शुक्ला जी का बयान आपका देख लीजिए आप, जिन्होंने कहा है कि जनता चाहती है तो परिवर्तन होता है जी। अब आज के दिन उनका ये बयान, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इससे पहले उन्होंने सुभावती शुक्ला जी को सबके सामने फोटो खींचने से आशीर्वाद दिया और गोरखपुर में ये माहौल है कि बीजेपी को ही बीजेपी हरा रही है और ये स्थिति लंबे समय से आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी की जो अपने प्रतिद्वंदी से ही नहीं लड़ना है जी, पार्टी के भीतर भी अपने से लड़ना है, उनके विरोधी दिल्ली में भी बैठे हुए, ये एक एक्स्ट्रा उनके पास भी चुनौती है। तो इसको देखते हुए हम ये साफ देख रहे हैं
इस चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें ज्यादा है। गठबंधन में छोटे छोटे दलों को देखे, सारे में प्रदीप भटनागर जी बोल रहे थे कि वो भाषा बोल रहे थे कि उनकी कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन अगर बड़े दल ही उपयोगी हो तो बड़े दल क्यों छोटे दल के पास जाते हैं, तो उनसे बोलते हैं कि हमारे साथ गठबंधन कीजिए। जी आज अखिलेश यादव जी को सोहेल देव समाज पार्टी को अपने साथ जोड़ा, इसलिए कि उनके पास कुछ वोट बैंक है, अगर फायदा नहीं होगा तो अखिलेश यादव जी को क्यों जोड़ेंगे सोहेल देव जी को। बिल्कुल, ये नहीं नहीं ये तो है ना कि राजभर डैमेज तो कर रहे हैं इनको ना बीजेपी को। तो निश्चित रूप से जब पिछली बार वो बीजेपी को जीत में योगदान कर रहे थे, तो इस बार उनके उनके प्रदर्शन को खराब करने में या प्रदर्शन को कमतर करने में योगदान करेंगे, तो उसका शब्द हम इस्तेमाल ना भी करें तो ये है बीजेपी को। एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं मैं, एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं, हम लोग ग्राउंड जीरो पर उतरे भार्गव जी, मैं अच्छी बात बता रहा हूं, आपके नजरिए से बता रहा हूं जो मैं देख कर आया, हम जब ग्राउंड जीरो पर उतरे तो पटरौना में चुनाव प्रचार के लिए आपके विक्रमना यादव प्रत्याशी हैं वहां से सपा के, उनके प्रचार के लिए ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों की चुनावी रैली थी इकट्ठी, वहां राजभर का एक अलग जलवा देखने को मिला और स्वामी प्रसाद मौर्य उन्होंने बाद में संबोधन किया, लेकिन जब राजभर संबोधित कर रहे थे तो जनता उनके तरफ आकर्षित दिखाई दे रही थी। लेकिन मेरा सवाल यहां पर भार्गव जी यह है कि इस बात की क्या गारंटी, लोग भले ही राजभर जी को देखने आए, राजभर के लिए तालियां बजाई, राजभर जी का वोट है हर विधानसभा में जैसे आप लोग दावा करते हैं, क्या गारंटी जो ताली बजाने आया वो वोट भी दबाएं, बटन भी दबाएं आपके पक्ष में? देखिए क्या गारंटी इस बात की, वो भी पूर्वांचल में? तिलक भाई, हम गांव गरीब किसान मजदूरों की बात पहले भी करते थे, गठबंधन में सरकार में आए 18 महीने रहे तब भी करते, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी किन मुद्दों को लेकर के हम अलग हुए वो हमारे साथी भाजपा के बैठे हैं भली भांति में छेद किया आपने, सही बोला भटनागर जी, उनकी थाली आपने थाली में छेद किया है ना तिलक भाई। देखिए दरअसल क्या है ना कि अगर इनकी थाली में हमने छेद किया तो आप FIR दर्ज करके अंदर करवा दीजिए ना भाई, छेद करने वाला भी कुछ का बुला सकता है कि आप कैसे नहीं अब इनसे पूछो आपने जिस थाली में खाया उसमें छेद किया और आपने जिसको सहयोगी बनाया उसे धोखा दिया, थोड़ा सा मैं करूंगा। नहीं, देखिए हमने किसी को धोखा नहीं दिया तिलक भाई, ओनन रिकॉर्ड मैंने हर बार आपके चैनल पे बोला, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था, छोटे छोटे तो जो दो जिनका 3 जिलों में प्रभाव था उनको सबको इकट्ठा किया, उन्होंने कहा भाई अलग अलग आप लड़ते हो अपनी महत्ता को खत्म करते हो, आइए एक साथ दबे कुचले असहायों की सरकार बनाई जाए, गरीबों की सरकार बनाई जाए, तो इस सरकार को बनाने के लिए छोटे छोटे दल भागीदारी संकल्प मोर्चा में आए, उसके हमारे बाबू से कुशवाहा भी दिया है, उसमें आप जो वैसी जी की जिसकी आप चर्चा करना चाह रहे वो भी आए। नहीं नहीं, नहीं मैं चर्चा ही कर रहा हूँ, वो अपने आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप अपने आप ओवैसी कर रहे हैं, मैं तो ओवैसी का नाम भी नहीं लिया, आप ओवैसी का नाम ले रहे हैं। नहीं मैं घटक दल में आपका इशारा जहाँ है ना क्लियर, मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं हूँ ना, मैं घुमाता नहीं हूँ, जुमला नहीं बोलता, मैं क्लियर कर बोलता हूँ। नहीं तो आपको ये लग रहा है मैं ओवैसी का नाम लेता? अरे हमारे घटक दल में थे भाई, हम क्यों कह रहे हैं आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, मैं तो ओवैसी का नाम ले रहा हूँ, आप गुस्सा हो रहे हैं, वो आपके सहयोगी, मुझे क्या लेना देना उससे? नहीं नहीं आपका पूरा लेना देना है, आप पत्रकार है, क्यों नहीं आप नहीं पत्रकार है ठीक है, आप इतना गुस्सा हो रहे हो ओवैसी का नाम ले, आप ही के सहयोगी रहे ना, मेरे सहयोगी थोड़ी ना थे वो, तो आप ही के सहयोगी थे है कि नहीं है? जी देखिए हमारे आज भी वो सहयोगी है, मैं फिर बता रहा हूँ, आज भी सहयोगी है जी, आज भी सहयोगी। ना दोबारा से बोलो, मैं एक मिनट समय नोट करो, 5:24 भार्गव जी ये दोबारा से बोलो ये बात, ये अभी मैं कह रहा हूं, अभी अभी मैं एक क्लिप निकाल के राजभर जी को देख लीजिए, बी पार्टी आगे बोल दी ना, आखिर बी पार्टी है, एक मिनट बी पार्टी, अभी आज स्पष्ट कर दिया इन्होंने, आज इनकी बी पार्टी है,
ना ना प्रदीप जी, एक मिनट प्रदीप जी, बहुत बड़ी बात बोली, रुक जाइए ना ना रुक जाइए। गरीबों की पार्टी ये वही पार्टी है जिन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा था ओबीसी जी को लेने के लिए लखनऊ। हेलीकॉप्टर भेजा था ये वही, यही वही वही गरीबों की पार्टी है। छह हेलीकॉप्टर बुकरा रखे थे राजभर जी ने। ना ना मैं आपके सहयोगी को कह रहा हूँ, ये तुरंत क्लिप निकाले, दोबारा बोलेंगे भार्गव जी ये राजभर जी को भेजेंगे। भार्गव जी दोबारा बोलो, ओवैसी हमारे साथ ही है ना, तो स्क्रीन पे लीजिए, स्क्रीन पे लीजिए भार्गव जी को, तुरंत स्क्रीन पर लीजिए। एक मिनट, मैंने कहा, हाँ बोलो मेरे भाई, जो हमारे एक मिनट प्रदीप जी, एक मिनट, मौका मिला नहीं, अभी शुरू हो गए ना भार्गव जी, तो आपको मौका नहीं मिलेगा, रुक जाइए भार्गव जी, दोबारा से बोलो कि ओवैसी हमारे साथ ही है अभी भी। देखिए मैंने बार बार कहा है, जो हमारे घटक दल के साथ थे, मैंने कहा ना, और राजभर जी ने सबको ये संदेश दिया, चाहे वो चंद्रशेखर भाई रहे हो, चाहे ओवैसी रहे हो, चाहे हमारे बाबू से पुकवा रहे हैं, आपने देखा होगा सबके लिए राजभर जी ने कहा। अब ओवैसी जी ने कहा कि हम 100 सीट पे लड़ेंगे, पहले सुन लीजिएगा, मुझे घुमाओ मत, इतना बोलो जो आपने अभी बोला था, ओवैसी अभी भी हमारे साथी हैं। आप देखो घुमा रहे हो आप मुझे, ओवैसी हमारे साथी है, बोल दो ना एक बार दोबारा, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे? आप बताइए किसके साथ, बताइए ओवैसी किसके साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, किसके साथ है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी के साथ आपने आप ये आप ही ने तो बोला कि ओवैसी किसके साथ है, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ किसके साथ है। अरे भाई भारतीय संविधान में हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे साथ है, हम तो खुद गए हैं ओवैसी, बताइए क्या दिक्कत है, ओवैसी हमारे साथ सभी छोटे दल, हम आज भी कह रहे हैं। नहीं नहीं ओवैसी मैं ओवैसी की बात कर रहा हूँ, फिर आप खुद ही ओवैसी लेकर आए, मैं पूछ रहा हूँ ओवैसी साथी हैं आपके, सुनिए उसी में बाबू सिंह कुशवाहा जी से, उसी में चंद्रशेखर जी, मैंने बार बार कहा, जैसे उन्होंने कहा हम 100 सीटों पे लड़ेंगे, राजभर जी ने कहा ओवैसी जी 100 सीट ना लड़के 10 सीट लड़िए और 10 जीत के सदन में आइए तो अच्छा रहेगा, 100 सीट लड़ करके एको ना जीतो उससे अच्छा साथ आइए, उन्होंने कहा नहीं हम 100 लड़ेंगे। अच्छा तो राजभर जी ने समझाया, आप ये कह रहे हो हम 50 सीट लड़ेंगे, आप ये कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि राजभर जी ने समझाया ओवैसी जी को 10 सीटों पर लड़ो तो इसलिए वो लड़ रहे हैं। नहीं देखो वो कहां लड़े, अगर लड़ते तो साथ रहते ना, हमने क्या कहा, क्या अगर वो मानते तो साथ रहते, बाबू सिंह कुशवाहा मानते तो साथ रहते, चंद्रशेखर जी मानते तो साथ रहते, हमने कहा इस बात को ना भाई, हमने कहा जिसका जहां चार महीने पहले प्रभुत्व है, जो चार महीने पहले भार्गव जी, चार महीने पहले मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था जिस पर आपने आपत्ति जताई थी, याद दिला रहा हूं, तथा कथित भागीदारी संकल्प मोर्चा, आपने कहा कि तथा कथित क्यों बोला, मैंने इसीलिए बोला था मेरे भाई, तथा कथित इसीलिए बोला था कि आपका भागीदारी संकल्प मोर्चा जो कल तक डिप्टी सीएम बनाने वाला था सबको, आज खुद डिप्टी सीएम बनने के लिए चुनावी रण में है, और क्या गारंटी कि आज कल जैसे भट्टागर जी ने कहा कि धोखा धोखा आपने जिस थाली में खाया उसे चेक किया, कर दीजिए कि भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बन रही है क्या, आपको उम्मीद नहीं है, आप बोलिए आपको उम्मीद नहीं है, भारतीय जनता क्या नाम है भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी, 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम, आज फिर मैं फिर बात कर रहा हूँ, क्या मैंने कहा ना, आज हम आदरणीय नेता जो है अखिलेश यादव को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें डिप्टी सीएम या सीएम की बात थोड़ी आ रही है, जिस दिन भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी तिलक भाई, उस दिन 5 साल में 5 सीएम और 20 जो है डिप्टी सीएम बनेंगे, आज भी हम कह रहे हैं, आज बताइए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम, उत्तराखंड में 3 साल में 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बनाओ, मेरे भाई 50 बनाओ, मेरे को क्या दिक्कत, आप 50 बनाओ भागीदारी संकल्प मोर्चा, एक मिनट धनोजी मेरे साथ जुड़ गए, अभी रुकिए ना, अभी रुकिए, बहुत अच्छे इस देश में अभी संविधान के तहत ये काम करे तो ठीक है, हम संविधान के तहत काम करे तो गलत है, नहीं नहीं कोई गलत नहीं है, राजनीति में कुछ गलत नहीं होता, कल उनके साथ थे, आज इनके साथ है, परसों किसी और के साथ हो गए, कल को कमल थामा, अब साइकिल पे बैठे हो, परसों हाथी पे बैठे हो, मैं थोड़ी ना रोक लूंगा आपको, ओके धनोज जी साइकिल पे भी बैठे तो छड़ी लेके बैठे, नहीं गिर ना जाए, साइकिल पे भी बैठे हैं तो छड़ी लेके, हो गया भार्गव जी, हो गया धनोज जी, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, देखिए धनोज जी प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के लिए, किन मुद्दों इनके साथ रहेगा, इन्होंने क्या नाम स्कूल में बच्चों के साथ पढ़ाई के साथ भेदभाव किया, नौकरियां इन्होंने दिया नहीं, लठ मारने का काम किया, कानून व्यवस्था ख्वस्त रहा, हो गया भार्गव जी, हो गया ना, भार्गव जी उसकी चर्चा आज कहां चली गई, अभी कसर बाकी, हो गया ना भाई, हो गया, उत्तर प्रदेश के हो गया,
अरे भार्गव जी ये मंच नहीं है, अरे मंच नहीं है, अरे भार्गव जी मंच नहीं है, अरे दादा मंच नहीं है, मंच नहीं है। रुकिए देखिए, धनोज जी आ गए, धनोज जी आ गए। धनोज जी कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ चावला जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ, बिल्कुल आप लोगों का प्रेम मोहब्बत बनी हुई है। भार्गव जी कह रहे हैं मैं पूर्वांचल में हूँ, बिल्कुल वो तो रहेगा, पूर्वांचल में हूँ भार्गव जी कह रहे हैं, और पूर्वांचल की फिजाएं बता रही हैं कि इस बार लेकिन इस बार सिर्फ अखिलेश यादव, उनके लिए एक शेर पढ़ देता हूँ आज तो भार्गव जी के लिए जी। अपने कौन है गैर कौन है हम समझ नहीं पाए, हमने देखा जिधर भी चेहरे बदले से नजर आए। अच्छा, सब दगाबाज नजर। मैं सुन रहा था जी, हाँ मैं सुन रहा था हाँ। आप इनके रिश्तेदार ओबीसी पर चर्चा कर रहे थे, इनके रिश्तेदार इनका, हाँ इनके 13 दीना है ना वो, इनके ओबीसी जी, आपने कहा पूर्वांचल में है, कोई पूर्वांचल वाले ओबीसी का रिश्तेदार हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओबीसी से राजनीतिक गठबंधन मतलब ही गठबंधन, और ये बात पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, पूर्वांचल को तो छोड़िए हाँ। जाट लैंड, यादव लैंड, ओबीसी लैंड, इवन सबर लैंड सब जानते हैं। और आपको बता दूं पूर्वांचल में शक्तिपीठ भी है मां विंध्यवासिनी, और इनके नेता जो कहते हैं ना ओम प्रकाश राजभर, जो सबको डिप्टी सीएम बना रहे थे, एक नया संविधान लिख रहे थे वो, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से अलग हटकर वो सभी सहयोगी को डिप्टी सीएम बना रहे थे। अपने घर में बैठकर जो संविधान लिखेगा वो भला कहां चुनाव से जीतेगा, अगर वो जहूराबाद से जीत जाए सदन पहुंच जाए तो उन्हें गनीमत है, क्योंकि ये भाजपा की रणनीति को समझ ही नहीं पाए। अभी मैं भार्गव जी को सुन रहा था कि भार्गव जी कह रहे थे कि क्या मैं भाजपा के साथ आ जाऊं, अरे भाजपा के साथ आप थे तभी तो सदन कम में पहुंच पाए, भाजपा के साथ थे तभी तो आप मंत्री बन पाए, भाजपा के साथ थे तभी तो आप अपने बेटा को भी। मैं एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर मैं आ रहा हूं धनोज जी आपके पास, फिर रिएक्शन लूंगा प्रेम जी आपसे, लेकिन